दोस्तों जायका रोपड़ दा लड़ी नूं तुसीं बहुत प्यार दे रहे हो ते जिद्दां तुहाडे नाल सांझा कीता सी कि रंग रोपड़ लड़ी शुरू करन जा रहे हैं। रंग रोपड़ दे लड़ी च दोस्तों तुहाडा स्वागत है। अज आपां पहुंचे महाराजा रणजीत सिंह पार्क मिनी सैक्रेटरीएट दे ओपोजिट। जिला प्रशासन वालों लोहड़ी मेले का आयोजन किया गया, 12 जनवरी तो शुरू है। सो अंदर जाके देखते हैं लोहड़ी मेले रोपड़ के रंग। तो दोस्तों इस विलखण उपराले जो जिला प्रशासन ने किया, बड़ी छोटी जी एंट्री टिकट है 10 रुपए, तो साढ़े सिक्ख्या विभाग के दोस्तों की ही ड्यूटी लगी है। अमरजीत सिंह साढ़े सिक्ख्या विभाग के बहुत ही समर्पित मुलाजम साथी हैं। प्रशासन तो रैड क्रॉस वालों लगाया गया जी। एंट्री फीस सिर्फ नाम मात्र 10 रुपए रखी गई है, बाकी जो अंदर का है वो अलग है सिस्टम। तो पहला भी लगाया जाता मेला, हूँ तो घट्टो घट 10 साल बाद लगाया जा रहा है। दिन 12, 13, 14 तो बदलने के चांस है। अलग अलग तरह के झूले इत्थे लगे हुए हैं, तो फुल इंजॉय लोहड़ी वाले दिन। मौसम भी खुल के पूरा दिन खुला निकलिया, तो बड़ी गिनती च इत्थे रोपड़ निवासी पहुंचे हुए हैं। लोहड़ी मेले के दूजे दिन अलग अलग तरह के झूलों का प्रबंध है। आरजी स्कूल बनाया हुआ है, बोटिंग कर रहे हैं बच्चे, ब्रेक डांस चल रहा है। बड़ी गिनती स्कूलों के विद्यार्थी, लोकल नौजवान बच्चे परिवार समेत इतने लोग पहुंचे हुए हैं। जेपी जी आ रहे हैं, वो जी भी ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह बाग रूपनगर विखे महाराजा रणजीत सिंह जी की घोड़े ते सवार बुत उन्हों का स्थापित किया गया। इधर महाराजा रणजीत सिंह पार्क की मेन स्टेज पर सभ्याचारक प्रोग्राम का भी प्रबंध है। शायद लेट नाइट शुरू होगा जा अगले दिन शुरू होगा। तितली बटरफ्लाई छोटी जी बच्ची पोज बना के तितली का मिनी सैक्रेटरीएट के ओपोजिट। पुराने दरख्तों को इत्थे वधिया रूप संभालिया गया, ये कह लो विलखण उपराला हैगा प्रशासन का। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मेरे वालों मैं सुखराज सिंह गिल जी, इत्थे असीं आए सी, अज लोहड़ी मेला चल रहा इत्थे रूपनगर के। बहुत वधिया प्रशासन ने इत्थे बहुत वधिया एक करिया, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए बहुत वधिया चीज़ बनाई है। एक रणजीत सिंह पार्क जिहड़ा डिवेलप होया है, देख के बड़ी खुशी हुंदी है। साडे लई भी साडे बच्चों लई भी बहुत खुशी की गल है भी जिहड़ा पार्क है बहुत वधिया नवीनीकरण जिहड़ा कीता गया, झूले वगैरह लगे हैं इत्थे। सो इहदे लई भी एक वधाई दी पात्र है प्रशासन। तो इस बाद जिन्हिया भी स्टालां मैं देखिया बहुत वधिया इत्थे उपराला कीता गया प्रशासन वल्लों। ये जिहड़े झूले हैं ये प्रशासन वल्लों पक्के तौर पर महाराजा रणजीत सिंह पार्क विखे स्थापित किए गए हैं। ये भी एक अच्छा उपराला हैगा, खुली डुली जगह, क्योंकि जो शहरीकरण हो जाता जगह घट जाती है कलोनिया च। सो बच्चों वास्ते तो होर बजुर्गों वास्ते शहर निवासियों वास्ते घूम फिरन लई ते इंटरटेनमेंट की एक वधिया थां हैगी। महाराजा कैफे एंड रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये पक्के तौर पर इत्थे ओपन है महाराजा रणजीत सिंह बाग विखे। इधर फिर आप काउंटर से चलते हैं, हूँ रिसेप्शन पुछगिछ काउंटर, इत्थे एम्पलाइज प्रशासन वालों बैठे हैं। सब तो पहला काउंटर है रैड क्रॉस का, जी आई एन वालों जिला रैड क्रॉस, छोटे छोटे स्टाल है। पंजाब विद्र विद्यालय गूंगे बोले बच्चों लई स्कूल है, उन्होंने काउंटर लग्या होया। दोस्तों जेल डिपार्टमेंट रूपनगर का काउंटर है, जिथे जेल च जो सजा योग कैदी है उन्होंने वालों तैयार कलाकृतियां ने। तो इदा एक पेट्रोल पंप भी इतने खुलिया अज इस काउंटर से, कोई उन्होंने वालों तो प्रशासन के नुमाइंदे ही है। तो कल इन्होंने दसिया कि इतने जो सजा भुगत रहे लगता कलाकृतियों तो वे कुड़ियों औरतों वालों तैयार की गई हो भी इस काउंटर से आने। तो इधर सारे फूड के स्टॉल लगे हुए, अगे अलग अलग तरह के फूड के स्टॉल है, तो लोग फूड का जायका माणते हुए। वेरका वेरका का स्टॉल,
साउथ इंडियन डोसा। श्री लक्ष्मी सैल्फ हैल्प ग्रुप वालों फूड का काउंटर विलखण लग्या मैनू, सो इन्हां नाल इन्हां दे प्रबंधकां नाल गल करदे आ की विशेषता हैगी है, मैडम दसणगे सानू अपने बारे भी ते अपने ग्रुप बारे भी। हाँ जी सर, सर मेरा नाम बबली है, सैल्फ हैल्प ग्रुप दे विच असी है, और सर ये सानू मतलब डीसी मैम ने प्रोवाइड कराया आ सारा कुछ, ये साडी कंटीन भी आ उहदे विच कोर्ट दे विच उहदे ही थ्रू साडी अज इत्थे स्टॉल लगी है। हाँ जी सर, थोड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप च किन्ने क मेंबर है जी? सर साडे इहदे विच 20 मेंबर है, इहनू 5 साल हो गए चलदे नू। हाँ जी सर, अज तुसी की खिला रहे ते? सर अज असी ब्रेड समोसा इडली सांभर और सूप मतलब की। हाँ जी सिंह मेरे दोस्त समय डायरेक्टर है इस संस्था दे, तो जिसका मैं तुम दिखाऊंगा आईटी को दलदा दे इथे काउंटर लग्या होया ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰੋਟਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਧਰਨੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਪਨ ਥੀਏਟਰ, ਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਿਊ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਤ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਰਗਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਸੈਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੈਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗਲਹਿਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਰੰਗ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਪੋਜ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, 18 ਸਾਲ ਦਾ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਰੰਗ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਟਰਨਰ, ITI ਕਰਦਾ ਜੀ ਟਰਨਰ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੇਲੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਝੂਟੇ ਝਾਟੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਸਤਲੁਜ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਪੱਗਡੰਡੀਆਂ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਰੰਗ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ, ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ, ਰੰਗ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ